चंद्रपुर जिले के धाबा में होने वाली यात्रा महोत्सव में अग्निकुंड प्रभावल यात्रा का मुख्य आकर्षण है। इस महोत्सव दौरान भक्तगण अंगारों पर नंगे पैर चलने का खौफनाक मंजर देखने मिलता है। महाराष्ट्र तेलंगाना के आराध्य दैवत यानी चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी तहसील के धाबा यहाँ के संत परमहंस कोंडैया महाराज का यात्रा महोत्सव हाल में संत नगरी धाबा में शुरू है। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण यानी अग्निकुंड प्रभावल, पवित्र श्रद्धा के बल पर असंभव लगने वाली बातें संभव होने के दाखले पुराणों में मिलते हैं। भक्ति की अग्नि परीक्षा लेने का ऐसा ही खौफनाक समारोह धाबा में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। संत नगरी ऐसी पहचान का धाबा गांव। गांव में अंगारे भरे कुंड में से भक्तगण नंगे पैर चलते हैं। इस बार भी यह समारोह वयोवृद्ध और बाल गोपालों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम के लिए चौकोनी गड्ढा खोदा जाता है। इस गड्ढे में बड़े पैमाने पर लकड़ियां चलाई जाती है। जले हुए लकड़े के अंगारों की विधिवत पूजा की जाती है और फिर इन अंगारों पर से चलने का खौफनाक समारोह शुरू होता है। मध्य रात्रि शुरू होने वाले अग्निकुंड प्रभावड़ी का समारोह अग्नि शांत होने तक शुरू रहता है। भक्ति का यह अद्भुत समारोह देखने के लिए महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश के भाविक भीड़ करते हैं। इस बार भी कोरोना की पार्श्वभूमि पर गिने चुने लोगों को ही इस समारोह में प्रवेश दिया गया। 1884 पासून या परमहंसाच्या धाबा नगरी मध्ये या पावन भूमि मध्ये जन्मजयंती यात्रा महोत्सव दरवर्षी मोठ्या उत्साहाने भरत असतो आणि या 6 दिवस यात्रा महोत्सव कार्यक्रम असतो। या यात्रा महोत्सवामध्ये 6 दिवस अन्न सत्र चालतो आणि माघ शुद्ध तृतीयेला भव्य दिव्य अग्निकुंडीचा कार्यक्रम असतो आणि या अग्निकुंड प्रभावडीत सर्व भाविक भक्त आपल्या अनुवाणी पायाने चालतात आणि सर्व त्यांचे पाप दूर होतात आणि कोंडया महाराजांचा आशीर्वाद प्राप्त करून घेतात। महाराजांना अभिप्रेत असलेला महाराजांच्या हयातीमध्ये स्वतःच्या मंत्रोच्चाराने परमपावन झालेला अग्निकुंड सोहळा दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी सुद्धा इथे धाबा नगरीमध्ये या संतनगरीमध्ये इथे होतो आहे। समस्त भाविक वर्ग या अग्निकुंड दिव्यातून आपला प्रवेश करतात आणि याची एक धारणा अशी आहे की यामध्ये आपण केलेलं जे काही पापक्षालन आहे ते करण्याचा एक चांगला सुवर्णमध्य महाराजांनी त्या काळी घालून दिलेला भाविक वर्गांसाठी, तो आपण अनुकरणीय करतो आहे आणि याचा फायदा हा समस्त भाविक वर्ग या महाराजांवर श्रद्धा ठेवून असलेला भाविक वर्ग करत आलेला आहे आणि हा मागील 20-25 वर्षापासून हा इथं दिव्य विना काही संकट असताना हा सगळा करत आहे। यामध्ये सर्व महाराजांचासुद्धा आशीर्वाद सर्वांना मिळत आहे।